ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। पंचम स्कंद अध्याय 25 श्लोक संख्या 11 से लेकर 14 तक। जन्नाम श्रुत मनुकीर्त, सात नंबर को थोड़ा सा ये करिएगा, सात नंबर से। इसका कनेक्शन बड़ा सुंदर है इसका। तो इस अध्याय का नाम है भगवान अनंत की महिमा। तो अनंत की महिमा, भगवान शंकर बहुत सुंदर से गाया, उसके बाद कृष्णदास कविराज गोस्वामी और महान वैष्णव ने भगवान अनंत की महिमा का गायन किया है। उत्पत्ति स्थिति लय हे तवश्य कल्पा सत्ताद्या प्रकृति गुणा जदीक्षयासन जद्रूपम ध्रुवम कृतम जदेकमात्मन नाना धात कथमो हवेद तस्य वर्तमान। सात नंबर का श्लोक का अनुवाद है, अश्य श्लोक से अनुवाद कर देते। अश्य उत्पत्ति स्थिति लय हे तव, अश्य जगत, जगत का उत्पत्ति स्थिति लय का हेतु सत्याद्या प्रकृति गुना जदीक्षया आसन। जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के हेतु जो प्रभु सत्याद्या प्रकृति गुना ये जड़ जगत जो सृष्टि किया उन्होंने, ये जड़ जगत जो प्रपंच हम लोग को दिखाई दे रहा है, जदीक्षया जद इच्छया जिनकी दृष्टि से कल्प आसन मैंने स्व कार्य करने में समर्थ हुए। जद रूपम ध्रुवम अकृतम जदेकमात्मन नाना अधात कथमोह वेद तस्य वर्तमान। उत्पत्ति स्थिति लय हे तवश्य कल्पा सत्याद्या प्रकृति गुना जदीक्षयासन जद रूपम ध्रुवम अकृतम जदेकमात्मन नाना अधात कथमोह वेद तस्य वर्तमान। तो प्रभु की इच्छन के प्रभाव से, दृष्टि के प्रभाव से इस जगत की सृष्टि हुई है। और जद रूपम ध्रुवम, ध्रुवम का अर्थ किया अनंतम अनादि, जिन्हें अनंत अनादि। हाँ, तो जद रूपम ध्रुवम अकृतम जदेकम आत्मन, प्रभु अकेला होकर, अकेला ये अद्वितीय होते हुए भी नाना कार्य प्रपंचम अधात उन्होंने सृष्टि किया। कथमोह वेद तस्य, उनकी कैसे मैं उनकी कैसे मैं उनको जान सकता हूँ, जो जिन अच्छा समझे। ये जगत की स्थिति उत्पत्ति और प्रलय के हेतु जो है प्रभु, उनकी दृष्टि के प्रभाव से जगत कार्यशील हुआ। अगर प्रभु की दृष्टि नहीं पड़ती तो जगत क्रियाशील नहीं होती। तो उस प्रभु के कार्यों को, उस प्रभु को मैं कैसे जान सकता हूँ। फिर आठ नंबर श्लोक में, हाँ नौ नंबर, मूर्तिम न पुरु कृपया बभार सत्तम संशुद्धम सदसदिदम विभाति जत्र जलीलाम मृगपतिर आददे अनवद्याम आदातुम सजनम मनांसि उदार विरिजः। प्रभु मूर्ति का शिकार, मूर्ति रूप में प्रभु प्रकटित हुए, किस लिए प्रकटित हुए, पुरु कृपया
बहुत कृपा करके, बहुत अधिक उनकी कृपा जीव जीवों के ऊपर के कारण उन्होंने मूर्ति रूप स्वीकार किया। मूर्तिम न अस्माकम पुरु कृपया बभार। सत्यम किस प्रकार के रूप? सत्यम संशुद्धम, शुद्ध सत्य रूप। इदम सदसद, इदम मतलब विश्वम, सदसद नित्य अनित्य जो विश्व जो है, जगत प्रपंच है, इनको विभाति। इन्होंने प्रभु ने ये जगत को सृष्टि किया, सृष्टि के पश्चात उन्होंने मूर्ति रूप में प्रकटित हुए। किस लिए? ना सजनम सजन मनांश अदातुम उदार वीरजह। प्रभु आज हम लोग को राधा श्याम सुंदर, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौर निताई जो रूप प्रकट हम लोग दर्शन कर रहे हैं, इनके प्रभु की बड़ी कृपा हम लोग के ऊपर कि आज इसी रूप में हम लोग को प्रभु का दर्शन हो रहा है। क्योंकि और इसी रूप में प्रभु जो लीला किया, जो लीलाम मृगपतिर आददे अनवद्या, लीला करके अपने जनों को आनंदित करने के लिए प्रभु ने इस रूप बहुत सारी लीलाएँ की है। क्योंकि प्रभु उदार वीरज, उदार वीरज मतलब प्रभु बहुत उदार वीरज मतलब बहुत पराक्रमशाली जिन्होंने लीला किए, जैसे गोवर्धन धारण किया। मूर्तिम न पुरु कृपया व्यवहार सत्यम संशुद्धम सदसद इदम विभात यत्र जलीला मृगपतिर आदद अनवद्या आदातुम सजन मनांश उदार वीरज। तो प्रभु बहुत कृपा करके इस रूप की हम लोग के सामने प्रकट किया। दस नंबर है, जन्नाम इसे दस नंबर है, दस ग्यारह नंबर, जन्नाम श्रुतम अनुकीर्तयेद अकस्माद् आर्तो वाजदि पतितः प्रलम्भनाद् वा हन्तहं सपदि निनमसे समन्नम कशेषाद् भगवत आश्रयेत् मुमुक्षु। जन्नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत अकस्मात् आर्तो वाजदि पतितः, पतित आर्त प्रलम्भनात् वा जन्नाम श्रुतम, जो प्रभु का नाम को एक सुने, अनुकीर्तयेत उनका गायन करे, अकस्मात् ओ आर्त क्यों ना हो, पतित क्यों ना हो, प्रलम्भत मतलब हंसी के छल से अगर प्रभु के कोई नाम कीर्तन करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अंग हंति उनकी पाप सब नाश हो जाएगा। सपोदि मने तत्क्षणात्। जन्नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत प्रभु, जत मतलब जैसे भगवती, जिन प्रभु के नाम सुनने से, नाम कीर्तन करने से अकस्मात वो आर्त क्यों ना हो, पोतित क्यों ना हो, प्रलम्भनात् उपहास छले, कोई प्रभु के नाम कीर्तन करे तो उसका पाप संपूर्ण रूप में नष्ट हो जाएगा। सपोदि तत्क्षणात् निनाम मनुष्य का अशेषम, बहुत जन्म जन्मांतर के मनुष्य का पाप तुरंत नाश हो जाएगा। कम से साद भगवत, ऐसे प्रभु का आश्रय कौन स्वीकार नहीं करेगा, ऐसे संकर्षण प्रभु का नाम कौन गायन नहीं करेगा। और एक बात है, जो प्रभु के नाम कीर्तन करते करते जिनका शुद्ध हो गया है, फिर उनका भी कोई नाम स्मरण करे वो भी तर जाएगा। भागवत में एक श्लोक आया, बड़ा सुंदर श्लोक, किराथुनांद्र पुलिंद पुलकसा अभीर कंका जब ना खसा दय जेने च पापा जदुपाश्रयाश्रया शुद्धन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। प्रभु के नाम कीर्तन से किरात होन पुलिंद पुलकस आभीर कंग ये सब बहुत नीच जाती है, बहुत पाप जाती है। ये जिनके प्रभाव से, जिन भक्तों के प्रभाव से ये भी तर जाते। जे उन्ने च पापा जदुपाश्रयाश्रया, भक्तों के संग से ये भी तर जाता है। जन्नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत अकस्मात् आर्तो वाजदि पतितः प्रलम्भनाद् वा हन्त्यं सपदि निनमसे समन्नम कम से साद भगवत आश्रयेत। जो मुक्ति पाने की इच्छा इच्छुक है उसको वो भी कोई अगर भगवान के भक्तों के संग करे उनका उद्धार हो जाएगा। ऐसे शेषाद भगवत कम ना आश्रयेत, ऐसे शेष भगवान के कौन आश्रय नहीं लेंगे।
प्रभुपाद अनुवाद में लिखते हैं, यदि कोई आर्त अथवा पतित व्यक्ति भी प्रामाणिक गुरु से भगवान का पवित्र नाम सुनकर उसका जप करता है तो वो तुरंत पवित्र हो जाता है। यदि वो हंसी में अथवा अकस्मात भी भगवान का नाम जप करता है तो वो तथा जो उसे सुनाता है सुनता है समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। अतः भौतिक बंधनों से छुटकारा चाहने वाला व्यक्ति भगवान शेष के नाम जप से कैसे कतरा सकता है, भला वो और किसी की शरण ग्रहण करे। मूर्धन्यर्पित गुण वत् सहस्र मूर्धन भूगोलम सगिरी सरी समुद्र सत्तम आनन्तादनिमित विक्रमस्य भूम्ना कोविर्जन्नधि गणे सहस्र जीव। ये भी बहुत सुंदर दिव्य श्लोक देखिए। मूर्धने अर्पितम अनुवत सहस्र मूर्ध आनन्तद अनिमित विक्रमस्य भूम्ना सहस्र मूर्धन मूर्धने भूगोलम सगरी सरी समुद्र सत्तम अर्पितम अनुवत। देखिए बड़ सुंदर। हाँ, मूर्धने माने मस्तक में अर्पितम अर्पण अर्पित किया। क्या अर्पित किया? भूगोलम सगरी समुद्र सरी समुद्र सत्तम। भूम्न का अर्थ है विभो। जो प्रभु विभो जो संकर्षण प्रभु अपने माथा पर सारा भूगोल जो देख रहे हैं हम जड़ जगत को देख रहे ये अपने माथा पर सहस्र मूर्धन जी सहस्र जो हजार फोन है उसी माथा फोन में किसी एक भाग में रखा है। क्या रखा है? भूगोलम स गिरी सरित समुद्र सत्तम। गिरी को रखा, पर्वत को रखा, स गिरी सरित मान नदियाँ समुद्र सत्तम सब जीव जगत को एक फोने में रख दिया, अर्पित किया। और वो क्या? अनुवत बहुत छोटा रूप से अनंत अनिमित विक्रमस्य जिनका अनंत अनंत विक्रम जिनका है हाँ। को वीरजन नाधि गणयेत कौन उसका वीर्य का बल का गणना करे हाँ। और अपरिमित होने के कारण ईश्वर की शक्ति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अनेक विशाल पर्वतों नदियों सागरों वृक्षों तथा जीवात्माओं से पूर्ण यह संपूर्ण ब्रह्मांड उनके सहस्र फनों में से एक के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। तो प्रभु की वीर्य प्रभु की जो बल है कितनी महान है के ऊपर अणु के समान टिका हुआ है। भला सहस्र जीवाओं से भी कोई उनकी महिमा का वर्णन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। मूर्धन्य अर्पितम अनुवत सहस्र जीवो सहस्र मूर्धनो भूगोलम सगिरी सरी समुद्र सत्तम आनंत अनिमित विक्रमस्य भूम्न को वीर्यान अधि गणये सहस्र जीव। प्रभु की महिमा कौन गायन करेगा? जो प्रभु ऐसे है जो सारा विश्व ब्रह्मांड को सगिरी सरी समुद्र सत्तम सहस्र मूर्धन हाँ मूर्धनि अर्पितम मस्तक में स्थापन करते ऐसे प्रभु का को गणयेत वीर्यान्नधि कौन गणना करे इनकी महिमा को। एवं प्रभावो अच्छा अपर एवं प्रभावो भगवान अनंत दुरंत वीर्यो रुगुणानुभाव मूले रसाया स्थितयात्मतंत्रो जो लीलया छम स्थितये विभर्ति। इस प्रकार प्रभाव जिनका है एवं प्रभाव इस प्रकार प्रभाव हाँ जिनका किसका ना भगवान अनंत दुरंत वीर्य और गुणानुभाव दुरंत वीर्य दुरंत बल गुण अनुभाव प्रभाव मूले रसाया स्थितयात्मतंत्रो जो लीलया क्षम स्थितये विहरति। सब प्रभु का विशेषण है आत्मतंत्र। प्रभु स्वयं स्वतंत्र है, प्रभु स्वतंत्र है स्वाधीन है। और जो भगवान है अनंत है जिनका दुरंत वीर्य गुण अनुभाव है प्रभाव है हैं। और क्या किया न स्थितये छाम विभर्ति जो लीलाया लीलाया मैंने लीला से ये पृथ्वी को आपने मस्तक पर धारण किया।
एवं प्रभावो भगवान अनंत, इस प्रकार प्रभाव भगवान अनंत का। दुरंत विरजो रुगुणानुभाव मूले रसाय, प्रभु कहाँ स्थित स्थित है? मूले, एकदम पाताल लोक में, वहाँ स्थित होकर क्या किया, क्या कर रहे हैं? पूरा ब्रह्मांड को अपने सिर एक सह माने मस्तक एक फोनों में सारा विश्व ब्रह्मांड को धारण करके रखा है। एवं प्रभावो भगवान अनंतो दुरंत विरजो रुगुणानुभाव मूले रसाया स्थितयात्म तंत्रो, प्रभु स्वतंत्र है। प्रभु किसी की आप कोई चैतन्य चरितामृत में कोई वर्णन आप पढ़िए, देखिए जिस प्रभु की कृपा प्राप्त करना है, नित्यानंद की कृपा, पहले नित्यानंद से मिलते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु वहाँ से आए वृंदावन जाने के समय, वृंदावन महाप्रभु वृंदावन जाते समय पहले बार तो वृंदावन नहीं जा पाए, पहले तो निश्चयानंद ब्रह्मचारी कल्पना कर रहे कि प्रभु इस बार वृंदावन जा नहीं पाएंगे, मन क्योंकि कल्पना में नहीं आ रहे, उसका सुंदर मार्ग निर्माण नहीं हो पा रहा था। तो महाप्रभु कान्हा नाटशाला तक आए थे, फिर लौट कर गए पूरी। फिर तो आते समय रामकली ग्राम प्रभु आए, कहाँ आए? रामकली ग्राम। रामकली में कौन रहते थे? रूप सनातन, जिनका पूर्व नाम था साकर मल्लिक और दबीर खास। तो साकर मल्लिक ये है उनका उपाधि, ये नाम नहीं था, जैसे यहाँ का मंत्री, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, ये मंत्री, वो दबीर खास है अर्थमंत्री, मतलब खजाना के मंत्री, और साकर मल्लिक मतलब स्वराष्ट्र मंत्री, उनका हाथ में कुछ पावर है इसका। तो साकर मल्लिक और दबीर खास, तो सबसे महापुरुष जब मिलने के लिए जाए, पहले नित्यानंद से मिले, नित्यानंद भी थे और नित्यानंद हरिदास थे, तो पहले नित्यानंद से मिले, उसके बाद हरिदास से मिले, उसके बाद महाप्रभु से मिले। कोई आप दृष्टांत लीजिए, पहले जैसे रघुनाथ गोस्वामी नित्यानंद प्रभु से मिले, उसके बाद महाप्रभु से मिलन हुआ। तो ऐसे नित्यानंद प्रभाव, हाँ, जो कौन उनकी वीरजों का गायन करे, कौन कोई करने में समर्थ नहीं है। एवं प्रभाव भगवान अनंत दुरंत विरजोर गुणानुभाव मूले रसाया स्थितयात्म तंत्रो जो लीलायाक्षम स्थितये विहरती। उन शक्तिमान भगवान अनंत देव के महान एवं यशस्वी गुणों का कोई पारावार नहीं है। वास्तव में उनका सूर्य अनंत है, स्वयं आत्मनिर्भर होते हुए भी ये प्रत्येक वस्तु के आधार है। ये पाताल लोक में वास करते हैं और इस संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण किए रहते हैं। एता हवेह निभिर उपागतम गंतव्या गतयो जथा कर्म विनिर्मिता जथोपदेश मनुवर्णिता कामान कामयमानय। एता ही एव गतय, हाँ अच्छा, जथा उपदेश मनोवर, जैसे मैंने सुना, ये गायन कौन कर रहे हैं? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जैसे मैंने सुना था ऐसे मैंने आपको सुना रहे, हे राजन, हे परीक्षित महाराज, जैसे मैं गुरु परंपरा से, गुरु मुख से जैसे मैंने सुना है ऐसे मैं आपसे वर्णन कर रहा हूँ। जथोपदेशम उपवर्णित, जैसे मैंने सुना, क्या सुना? कामान हाँ, जथा कर्म विनिर्मिता निभि, देखिए सुंदर, कामान भोगी के द्वारा, भोगी पुरुषों के द्वारा, संसारी पुरुषों के द्वारा जो कामान कामनाओं को, भोगों को जिस प्रकार जैसे कर्म करेगा उसी प्रकार उसको गति मिलेगी, इसका वर्णन है। हे राजन, मैंने अपने गुरु से जैसे सुना था उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्मों एवं कामनाओं के अनुसार इस जगत के सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार ये इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। हे राजन, मैंने गुरु मुख से जैसे सुना है उसी रूप में मैंने बद्ध जीवों के सकाम कर्म एवं कामनाओं के अनुसार
इस जगत की सृष्टि का पूर्ण वर्णन आपसे किया है। भौतिक कामनाओं से पूर्ण बद्ध जीवों को विभिन्न लोकों में अनेक स्थान प्राप्त होते रहते हैं और इस प्रकार ये इसी भौतिक सृष्टि के भीतर रहते चले आते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस प्रसंग में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है, अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तरी बारे ना देखी उपाय। हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ। किंतु मुझे इसका पूरा अनुभव होता है कि मैं अज्ञान के इस भवसागर में गिर गया हूँ। अब मैं यह भी देख सकता हूँ कि आपके चरण कमल के शरण के अतिरिक्त उसमें से निकलने का कोई दूसरा उपाय नहीं है। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, ओई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थितधूल सदृशम विचिन्तयः। हे राजन, नंद महाराज के पुत्र, मैं आपका निरंतर चिरंतन दास हूँ। न जाने मैं कैसे अज्ञान के इस भवसागर में गिर गया हूँ, अतः कृपा करके भौतिक जीवन की विषम स्थिति से मेरा उद्धार कीजिए। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य यही समाप्त है। अनादि कर्म फले पड़ी भवार नव जले तोरी बारे ना देखी उपाय, इसके अनुभव करना है। वर्तमान समय हम लोग को ये अनुभव करना है कि हम एक विषम स्थिति में है, इससे मुझे छुटकारा पाना है। कैसे छुटकारा पाए? एकमात्र सरल उपाय है साधु संघ। सरल उपाय है साधु संघ। साधु संघ से ही आपको दिशा मिलेगी। जब तक साधु संघ नहीं मिलेगा तब तक दिशा मिलने का कोई सवाल ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जन्म लिए, जब जन्म हुआ तो जन्म के पश्चात उनका दूध नहीं पी रहे, माँ का स्तन पी नहीं रहा था। तो सबकी बड़ी चिंता कि इतना छोटा सा बालक दूध पी नहीं रहे। तो एक खबर कहाँ पहुँचे? अद्वैत के पास। एक खबर कहाँ पहुँच गया? अद्वैत के पास। अद्वैत तो महाप्रभु से कम 50-60 साल से बड़ा है, 50 से ऊपर। महाप्रभु से वयस से 50 से ऊपर है। तो महाप्रभु दूध पी नहीं रहे, तो ये चिंता के विषय है। इतनी छोटी सी बच्चा दूध क्यों पी नहीं रहे? तो अद्वैत तो जब आए शांतिपुर से महाप्रभु से मिलने के लिए, तो बहुत प्रार्थना की कि आप पान करिए। तो एकांत में लेकर गया, सबको वहाँ से हटा दिया। तो महाप्रभु कहे कि हमारे माँ के आपने मंत्र दिया, नाम नहीं दिया। मंत्र मतलब गोपाल मंत्र तो दिया किंतु नाम नहीं दिया। जब तक नाम नहीं देंगे, हरिनाम नहीं देंगे, हरिनाम की दीक्षा नहीं देंगे, तब तक मैं दूध नहीं पिएंगे। तो उसके बाद अद्वैत प्रभु ने माँ सची को हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश किया। जब हरे कृष्ण महामंत्र का उपदेश किया तो महाप्रभु आए थे हरिनाम को प्रचार करने के लिए। तो मंत्र में की क्षमता नहीं है? प्रश्न हो सकता है कि मंत्र में क्षमता नहीं, गोपाल मंत्र तो नाम ही है। क्योंकि मंत्र उच्चारण करने से कोई अगर गोपाल मंत्र का जप करे तो उसमें जो भौतिक वासना है उसका तुरंत पूर्ण हो जाएगा। जैसे किसी का कोई भौतिक वासना है वो तुरंत उसको फल दे देंगे, किंतु जो सेवा सुख है उसको प्रदान नहीं करेगा। जो नाम का जो असल फल है वो जो सेवा सुख है वो सेवा सुख का प्रदान नहीं करेगा। किंतु नाम लेते ही जो चित्त रूप दर्पण है उसका तुरंत मार्जन। नाम का एक सुविधा है कि आपका जो अभिलाष है, जो कामना है उसका पूरा नहीं करेगा। नाम क्या करेगा? जो हमारा वासना है, जो हमारा जो प्रेम प्राप्त में जो बाधा है उसको नाश करके प्रेम प्रदान कर देंगे। जो भव महादावाग्न निर्वापनम का अर्थ ये है, वहाँ श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया, ये तीनों है चेतो दर्पण में।
चित्रूप दर्पण का मार्जन मतलब तीन चीज की प्राप्ति होगी, पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग और भजन क्रिया, तीन चीज है इसमें। फिर भाव चेत दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापन में आपका अनर्थ निवृत्ति और निष्ठा ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम में आसक्ति रुचि, उसके बाद आसक्ति, दो चीज की प्राप्ति होगी। हाँ, भव महादावांग निर्वापनम श्रेय कैरव चंद्रिका, श्रेय कैरव चंद्र आसक्ति, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधुर जीवनम आनंदाम्बधि वर्धनम धीरे धीरे से परम का वहाँ अर्थ लिया कि सेवा सुख की प्राप्ति हो जाएगी नाम कीर्तन करने से, तो नाम की महिमा अधिक है। इसलिए यहाँ लिखते हैं कि हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ। ये भी बात सत्य, हमारे जीवन कब से शुरुआत हुआ कौन जानता है, कोई नहीं जानता है। हाँ, आज हम लोग ब्रजधाम में यहाँ आ गए, ना जाने कितनी जन्म जन्म की सुकृति, कितनी महापुरुष की कृपा के प्रभाव से आज हम लोग का ब्रजवास प्राप्त हो रहा है। और यहाँ आके बिना भजन से कुछ करना नहीं पड़ता है, भजन अपना आप होने लगता है। आप देखिए कोई भी यहाँ से कोई गाली भी दे तो राधे नाम से गाली देते कि आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, गाली भी कोई दे तो उसका मुंह से राधा नाम निकाल दे पहले। हाँ, तो यहाँ ब्रज में भजन करना नहीं पड़ता है, भजन अपना आप होने लगता है। ये है ब्रज की महिमा। ब्रज की ये जो नाम जो है, अगर कोई अश्रद्धा में भी कोई नाम ले कोई नुकसान है, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए श्रद्धा की, जो बिना श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, श्रद्धावान लभते ही ज्ञानम। किंतु कोई हरिनाम ले उसकी कोई श्रद्धा की जरूरत नहीं, वो कैसे भी करे, वो जीभा रटते रहे, अशुद्ध अपवित्र अवस्था किसी भी अवस्था नाम लेते रहे, उनकी कल्याण हो जाएगा, उनकी परम प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जैसे ओजामिल क्या शुद्ध अवस्था में नाम किया था, एक ये था एक मुसलमान सोच क्रिया करते समय उस समय जो सुअर जो था वो कूद पड़े, तो पड़ते ही वो मुसलमान के मुख से क्या निकला, हराम, हराम निकालते उनका प्राण छूट गया। तो छूटते ही उनका परम गति प्राप्त हो गया, क्यों, हा राम, हे राम, ये नाम लिया, हे राम, ये अश्रद्धा, कोई श्रद्धा श्रद्धा कुछ नहीं। इसीलिए कोई अगर किसी भाव से नाम करे तो उसको प्रणाम करना चाहिए। किसी प्रकार से हम लोग का भजन में रस नहीं मिल रहे राग देश के कारण, जब तक राग देश बना रहेगा तब तक भजन में कभी रस मिलने वाला नहीं। हमेशा दूसरे के महाप्रभु यही शिक्षा देने के लिए आए थे कि त्रिनादोपि सुनिचेना, हे जीव तुम तृण से भी नीच बनो, सहन करने की क्षमता रखो। त्रिनादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना अमानिना, खुद मान की प्रत्याशा मत करो, मान देना सबसे मान प्रदान करो, हाँ तब तुम जाके कीर्तन के अधिकारी बनोगे। तो जब तक ये सब बड़ा छोटी सी महाप्रभु एक लाइन में कितना अच्छा भाव प्रदान किया, त्रिनादोपि सुनि, और ये संभव होगा सत्संग से। जब तक सत्संग किए बिना स्थिति प्राप्त नहीं हो सकती। हमारे जहाँ छोटी छोटी त्रुटियाँ हैं उसका बल मिलता है, उसको निकालने का बल मिलता है सत्संग के माध्यम से। तो आचार्य ने जो जो भजन लिखे, जब मैंने पहले भजन गाया था, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल जे छाया जगत जुड़ाए, जो बड़े बड़े संतजन यही कहा करते हैं कि 2 रुपया में भगवत प्राप्ति हो जाएगी, 2 रुपया, ज़्यादा पैसा नहीं, 2 पैसा में, पहले तो 2 पैसा था, 1 पैसा 2 पैसा था, तो 2 पैसा में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। कैसे ना, 2 ग्रंथ आप खरीद कर लीजिए छोटा छोटा, एक प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना, और दूसरा नंबर प्रेम भक्ति चंद्रिका, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्राय उनकी प्रवचन में आप सुनेंगे, आपका सुनने को मिलेगा कि 2 चीज़ आप ले लीजिए, एक
प्रार्थना और एक प्रेम भक्ति चंद्रिका, रोज एक एक श्लोक आप पढ़ते रहिए, कितना भाव भरा है। तो सत्संग जो मैं बोल रहा था, सत्संग, सत्संग के प्रभाव से जीव अपना दिशा को दर्शन कर, दिशा को, दिशा से आगे बढ़ पाएंगे, किस दिशा पे चलना है। तो हे प्रभु, मैं यह नहीं जानता कि मेरा भौतिक जीवन कब प्रारंभ हुआ, किंतु मुझे इसका पूरा अनुभव होता है कि मैं अज्ञान के इस भावसागर में गिर गया हूँ। अब मैं यह भी देख सकता हूँ कि आपके चरण कमल के शरण के अतिरिक्त उसमें से निकालने का कोई रास्ता नहीं है। वहाँ से निकालने का एकमात्र रास्ता क्या है? हे प्रभु, आपके श्री चरण कमल, हाँ, आपके श्री चरण कमल से ही। और क्या नाम, शंकर जी, भगवान शंकर इलावृत खंड के अधिष्ठाता शंकर सन से प्रार्थना करते, भजे भजन्ना रन पाद पंकजम भगस् कृष्णस्य परम्परायनम। हे भजन्य, हे भजन्या, मैं आपका भजन करता हूँ, क्योंकि आपका चरण कमल भक्तों की रक्षा के लिए है। भगस्य कृष्णस्य परम्परायनम, भगस्य कृष्णस्य परम्परायनम, ये जो षड्विध ऐश्वर्य है ये सब आपके चरण कमल के स्थान है, हाँ। इस प्रकार से अगर हम सत्संग करें, नाम कीर्तन करें, श्रद्धा, किसी प्रकार कुसंग से दो चीज की प्राप्ति होगी। कैसे, क्या? एक, संसार का स्मरण कराएगा, और दो चीज, दो नंबर, भगवान में विस्मरण कराएगा। कुसंग करने करते करते आप कुसंग, कुसंग क्या है, न सॉरी संसार की प्रति ध्यान, यही कुसंग। कोई कई रसिक संतों ने इसका कुसंग माना है कि शरीर का ही दिन भर उनका ही चर्चा करते रहना, हाँ, शरीर और संसार के जो संग है इसी के कुसंग माना। और सत्संग क्या है, सत्संग से दो चीज, एक भगवान में स्मरण कराएगा और संसार से मन को हटाएगा। जो सत वस्तु है, सत और असत, आज हमारे जीवन चर्चा असत के ऊपर ही चल रहा है, कैसे असत से मन लगे, हाँ, ना असतो विद्यते भाव, न भाव विद्यते सत। सत का कोई माने, असत भाव न विद्यते, असत का कोई सत्ता नहीं, असत का कोई सत्ता नहीं, और उसी का हम सत्ता मान रहे। वर्तमान समय हमारी स्थिति ये है, जो असत वस्तु है, सांसारिक वस्तु है, इसका मैंने सत्ता मान रहा है। आज जो सत वस्तु है, जो प्रभु के नाम रूप गुण लीला, जो नित्य नित्य वस्तु है, इसको मैंने असत मान रहा है, इसके प्रति कोई ध्यान नहीं है। ना असतो विद्यते भाव, न अभाव विद्यते सतः, असत का कोई अभाव नहीं है। ना असतो विद्यते भाव माने सत्ता, भाव का अर्थ लिया सत्ता, असत का कोई सत्ता नहीं है, असत का कोई अभाव नहीं है, किंतु हम कर नहीं रहे हैं। ना असतो विद्यते भाव, असत का सत्ता नहीं है, संसार का कोई सत्ता है, कोई सत्ता है, कुछ है, आज है काल रहेगा नहीं, किंतु प्रभु का नाम रूप गुण लीला था, अभी है, रहेगा। ये शरीर का सत्ता है, सत्ता नहीं है, इसके लिए इससे क्या करना है, निरंतर बैठे बैठे नाम जप करो, हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, जितना यहाँ से, जैसे लोग नौकर रखते ना, सब हमें से काम कराते रहते, हाँ, क्योंकि नौकर है, पैसा देना पड़ेगा, तो इसी को खाना पीना, खाना पीना सब कुछ दे रहा है, इसका काम लेना है, क्या काम, रोज सुबह से लेकर शाम तक इसको बैठा बैठा नाम करना है, हमें से जीवा हिलता रहे, हाँ, प्रभु का नाम जीवा पे हिलते रहे, भले जैसे भी श्रद्धा अश्रद्धा, कोई अपवित्र अवस्था, असूचि, किसी की परवाह नहीं, नाम सबके शुद्ध कर देंगे। तो महाप्रभु एक बहुत अच्छा श्लोक लिखे, ऐ नंद तनुज किंकरम पतितम, हे प्रभु, मैंने भवसागर में पड़ गया है, हमारा उद्धार कोई रास्ता नहीं, रोना ही भजन। आचार्य ने लिखा है, महाप्रभु आंखों से आंसू आ रहा है कि हे प्रभु, मुझे आज इस संसार से उद्धार कीजिए। ओ नंद तनुज, हे नंद तनय, हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, हे कृष्ण, आज मुझे इस संसार से उद्धार कीजिए। ओ नंद तनुज किंकरम
पतितम, मैं पतित हो गया हे भवार्णवे, अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो, कृपया तव पाद पंकज, आपके चरण कमल के अतिरिक्त मैं कोई रास्ता देख नहीं पा रहे हैं। आई वास्तविक वर्तमान समय में थोड़ा सा भी अगर कोई प्रभु के शरण में आ जाए उसका कल्याण हो जाएगा। हाँ, ये जो फ्रस्ट्रेशन, जो विविध, जो उद्वेग, चिंता, भय, ये सब का नाश करने के लिए एकमात्र उपाय है प्रभु का नाम, प्रभु का शरण, प्रभु के चरण कमल। हाँ, कोई पापी क्यों ना हो, जे उन्ने च पापा, धर यहाँ प्रभुपाद लिखे ना, जन नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत, अनुकीर्तन बार बार कीर्तन करे। अकस्मात कोई अगर पोतित भी हो, आर्त हो, प्रलम्भत मतलब उपहास छल से हो, कोई अगर प्रभु का नाम कीर्तन करे तो उसका कल्याण हो जाएगा। अंगह माने पाप, पाप का नाश हो जाएगा। और क्या होगा ना, अगर कोई मानुष उसका भी शरण ग्रहण करे, कोई भक्तों का शरण ले जो प्रभु का नाम ले रहे हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण ले लीजिए, प्रभुपाद प्रभु भगवान के शरण में है, शुद्ध भक्त है, निरंतर प्रभु का नाम कीर्तन करते। आज हम सारा विश्व में कितने भक्तों को प्रभुपाद जी की कृपा से सही मार्ग मिला है, किसकी कृपा? श्रील प्रभुपाद जी की कृपा। हाँ, अगर प्रभुपाद जी वृंदावन में रहते, भजन साधन करते, अपना भगवत धाम चले जाते, कोई उनका रोक टोक नहीं था, सीधा चले जा सकते थे, किंतु प्रभुपाद जी की कृपा से आज हम लोग कहाँ कहाँ से आए और आज एकत्र मिलकर प्रभु का नाम गुणगान कर रहे हैं, प्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से। हाँ, आज जो मतलब आदमी का खून पीते थे, जो साउथ अफ्रीका जो है ना, और जंगली एरिया, जंगली जहाँ जंगल है, वहाँ का जो मान आदमी है, वो आदमी नहीं तो पशु जैसे, पशुवत स्वभाव, वो लोग क्या करते थे, मनुष्य खून पान करते, वो लोग भी आज प्रभुपाद जी की कृपा से आज महान भक्त बन गए, श्रील प्रभुपाद जी इतनी दान। इसलिए महाप्रभु कहे, जिसको भी मिले एक बार हरिनाम करा लो। महाप्रभु कहे, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, क्योंकि कृष्ण नाम के बिना किसी का उद्धार होना संभव नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए कोई किसी जगह पे बैठ, जैसे इस्कॉन के सामने बैठ के कोई राधे राधे करके दो पैसा मांग रहा है, ये भी धन्यम है। राधा नाम से तुलना दो पैसा सब कर लेंगे, दो रुपया में? हाँ, कभी नहीं हो सकता है। राधा नाम कोई कर रहे और करते करते दो रुपया मांग रहे तो वो महान भाग्यवान है। अगर कोई उनसे देश करे, देखो राधा नाम कर रहा है, पैसा मांग रहा है, कोई देश करे तो उसका कल्याण हो जाएगा, क्योंकि राधा नाम का बराबर दो रुपया नहीं है। वो तो राजा ने सुबह से लेकर शाम तक लखों नाम राधा नाम जप कर रहा है, वो ना कितना भाग्यवती भाग्यवान है कि आज प्रभु राधा जी का नाम स्मरण कर रहा है और मैं उसका देश कर रहे हैं। सबसे हम लोग घाटे में है कि हम राग देश में फंसे हैं। जब तक राग देश रूपी पशु को हम हृदय से ना नहीं निकालेंगे तब तक हमारी गति अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए राग देश से बाँचे, और राग देश से बाँचने के एकमात्र सरल उपाय है प्रभु का नाम, निरंतर नाम। और नाम होता है प्रभु के भक्तों के संग से ही। जब तक प्रभु के संतों भक्तों के संग नहीं करेंगे तब तक सही रास्ता में हम चल नहीं पाएंगे। हाँ, तो इसलिए जन नाम श्रुतम अनु शिल हरिदास ठाकुर महाप्रभु, जब हरिदास का निर्जान हुआ, हरिदास का जब निर्जान हुआ शरीर महाप्रभु से, जब जान गए कि महाप्रभु अभी लीला संवरण करेंगे, तो हरिदास कहे कि प्रभु मुझे आशीर्वाद दीजिए कि आपसे पहले मुझे जाना है। हाँ, महाप्रभु छोड़ना नहीं चाहते, किंतु भक्त की इच्छा कि कैसे जाएंगे न, हे प्रभु जब मेरा शरीर छूटेगा तब आपका मुख चरण मुख वदन दर्शन करते मेरा शरीर छूटे, आपके नाम लेते हुए अपना शरीर छूटे। हाँ, आप अपना चरण कमल अपना हमारे वक्षस्थल में रखे, कितना सुंदर सुंदर प्रार्थना किए। हाँ, इसीलिए प्रभु से यही प्रार्थना, हे प्रभु
आप मुझे यही आशीर्वाद दे, यही यही कृपा करे कि आपके जनों के बीच में हमारा शरीर छूटे, नाम लेते हुए शरीर छूटे, भक्तों की सुंदर मैंने दर्शन करते हुए शरीर छूटे, ये महान मैंने शुभ माना जाते हैं। हाँ, जिनका मुख से निरंतर नाम स्मरण हो रहा है, निरंतर कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुनते सुनते, नाम सुनते सुनते, भक्तों का दर्शन करते करते ब्रज धाम में हाँ किसी का शरीर छूटे तो हो भाग्य, वो तो महाभाग्यवान। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना गाए, उनकी जो गीत है उसका नाम है प्रार्थना। हाँ, प्रार्थना से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। अब रोज़ एक एक प्रार्थना गाकर देखिए, रोज़ एक श्लोक नियम ले लीजिए कि आज से मैं एक एक प्रार्थना करके सुनाएंगे प्रभु को। हाँ, इसी से आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। हाँ, प्रार्थना और जो प्रेम भक्ति चंद्रिका वो भी बहुत दिव्य दिव्य श्लोक है, बहुत माने कंठ करने के श्लोक, मतलब याद रखने के श्लोक है, स्तुति है। ज़्यादा नहीं, 120 172 ऐसे कुछ सूत्र है और बांग्ला पैर में, किंतु उसका अनुवाद भी है। हाँ, बड़ा सुंदर। तो इसीलिए महाप्रभु का जो अष्ट श्लोक है, अष्ट शिखा श्लोक है, उसमें महाप्रभु प्रार्थना करें, हे प्रभु मैं संसार कूप में पड़ गया, आप मुझे यहाँ से उद्धार कीजिए। हाँ, तो फिर महाप्रभु की प्रार्थना से, महाप्रभु की जो प्रार्थना अगर हम लोग करें तो हम निश्चित रूप से यहाँ से उद्धार होंगे। फिर श्रील प्रभुपाद देखे कि कृपा से ना जाने कितने लोगों का कल्याण हुआ। हाँ, आज ना कि आगे चलकर कितने लोगों का कल्याण होगा। हाँ, तो इसीलिए निरंतर प्रभु का नाम करे, नाम का प्रचार भी करे, जो सामना सामने है, जो जानते नहीं हैं उनको भी नाम करने का आदेश करे। एक चीज़ और ध्यान रखे, भजन कैसे निरंतर करे 24 घंटा, जिससे रात के सोते समय तो भजन छूट जाते, भजन तो नहीं हो पाते। हाँ, वो तो बिल्कुल सुसुप्ति अवस्था में घोर निद्रा में रहते, उस समय जप नहीं होता है। तो उस समय एक आचार्य ने बहुत अच्छा भाव दिए कि कोई अगर सोने से पहले 10 मिनट की 20 मिनट किसी से कोई वार्ता ना करके, अगर 10 मिनट ही क्यों ना हो, अगर जप करते हुए शयन करे, तो उसको रात का भजन माना जाएगा। उस जागते समय नाम का ही स्मरण होगा, विषय का स्मरण नहीं होगा। तो 10 मिनट सोने से पहले किसी से कोई वार्ता नहीं, लाइट ऑफ 10-20 मिनट जितना समय नींद आने से पहले तक नाम का स्मरण करें। करते करते आप देखना, कुछ दिन अभ्यास करके देखना, एक महीना आपका नाम चलने लगेगा रात में। हाँ, ये रात भर की नाम। और एक संत सुना रहे थे, कोई अगर रोज 2 घंटा बैठ के नाम करे तो 22 घंटा का शक्ति मिल जाएगा उनको। 2 घंटे एक आसन में बैठ के, आसन को जीतना है। प्रभुपाद जी यहाँ वर्णन, प्रभुपाद जी आगे चलकर चैतन्य चैतन्य में कई जगह पे लिखे कि आसन से बैठकर हरिनाम का बड़ा फल है। कोई एक आसन में बैठ कर ना हिले डुले जितना हो सके। हाँ, आधा आधा घंटा कुछ, अथवा ये भी एक बात है, कोई 5 मिनट ही क्यों ना हो, प्रभु की लीला का स्मरण करते हुए जाप करें। कोई 5 मिनट का अभ्यास करें कि कुछ छोटी छोटी लीला, कृष्ण बलराम गोचारण में जा रहे साथ में मैं हो, छोटा छोटा लीला का स्मरण करते हैं, नाम स्मरण करें, ये बाद में बड़ा रूप ले लेंगे। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा धीरे धीरे से निरंतर चलता रहेगा। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी आज यहाँ एक श्लोक और है, यहाँ शंकरसन भगवान की महिमा एक श्लोक के बाद समाप्त हो जाएगा। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैंने जैसे गुरुमुख से सुना है ऐसे ही हे राजन आपसे मैंने सुनाया। हाँ, और यही नियम है, जो गुरुमुख से सुना जाता है वही उसी का ही गायन किया जाता है। तो जन नाम श्रुतम अनुकीर्तयेत अकस्मात आर्तो वजदि पतित प्रलम्भनाद भा, अपराध से हो जैसे तैसे नाम चलता रहे, नाम करते 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 आपको ऐसे लगेगा कोई दूसरे बात करने की इच्छा ही नहीं करेगा, क्यों करे। अगर सबसे बड़ी समस्या कि हम इसके समय का आदर नहीं कर पा रहे, समय जितना मूल्यवान है इस समय का आदर नहीं दे पा रहे। इस समय का जब तक आदर दे नहीं पाएंगे तब तक आपका समय व्यर्थ चला जाएगा। हाँ, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इससे समय को बचाया जाए,
बड़े बड़े संत ने ये भी लिखे हैं अपने ग्रंथों में कि समय को बचाया बचाया जाए। चैतन्य चैतन्य भागवत में एक श्लोक है, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग फल कृष्ण नाम श्रवण, भक्ति योग, भक्ति योग, भक्ति योग फल स्मरण क्रंदन, भक्ति योग फले स्मरण क्रंदन। भक्ति योग फल है कि निरंतर स्मरण हो प्रभु की और उनके लिए रोना पड़े, रोना रोना आ जाए, ये है फल भक्ति योग का। जब तक आंखों में आंसू ना आ रहे मान लेना चाहिए कि हमारे हृदय बहुत अशुभ वासना से भरा है, बहुत पाप है, बहुत मैंने निर्मल नहीं है हमारे हृदय में, हृदय बहुत मल है, अभी निर्मल नहीं हुआ। जब तक जब निर्मल हो जाएगा तब तक आंखों में आंसू गिरेगा, यही है कीर्तन करने। यहाँ लिखे भागवत एक श्लोक, एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्ता जाता अनुरागा द्रुत चित्त युच्चै हसत तथ रोदति रोति गायति उन्मादवत नित्य तिलोक वाइह। एवं व्रत, इस प्रकार व्रत, व्रत मतलब संकल्प, इस प्रकार व्रत नामों का जब संकल्प कोई ले लेते, एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्ता, जब प्रिय नाम प्रभु के हरि नाम का जब कोई संकल्प ले लेते तो क्या होता है, जाता अनुरागा, उसमें कृष्ण में अनुराग हो जाते, विषय से अनुराग हटकर कृष्ण में अनुराग हो जाता है। जाता अनुरागा द्रुत चित्त युच्चै हसत, उसमें वो हंसेगा, हसत तथ रोदति रोति गायति, वो रोएगा, हसत तथ रोदति रोति गायति उन्मादवत नित्य तिलोक वाइह, वो पागल की तरह नाचेगा गाएगा रोएगा, उस समय उनका बाह्य दशा रहेगा ही नहीं। तो इसीलिए निरंतर नाम का स्मरण किया जाए खूब, जितना समय हो सके, समय से संग से बाँच कर, कहाँ कोई अगर संग में नाम छूट रहा है तो संग को छोड़ देना चाहिए, कोई अगर जाने से नाम छूट रहा है तो जगह जाना छोड़ देना चाहिए, किसी की मतलब हमेशा नाम को और ध्यान रहे। मेरा कहने का उद्देश्य है खा रहे पी रहे किंतु मेरा नाम चिंतन कहाँ है, चिंतन कहाँ है, हमारा लक्ष्य नाम है, तब जाके लक्ष्य में पहुँच पाएंगे। इसलिए अभ्यास जो को झुकते हैं ना चेतसा नान्य गान, इसलिए अभ्यास करना पड़ेगा, बिना अभ्यास से होगा नहीं। जय श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।